हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूमैक्स एजुकेशन। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर कुछ थोड़े से चेंजेस करके स्टूडेंट की संख्या बढ़ा सकेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट की संख्या बढ़ाएंगे, मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग के कितने तरीके होते हैं और किस किस तरीके से हमारे को मार्केटिंग करना चाहिए। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल्स पे जाके, ईमैक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जाके हमारा लास्ट वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। नंबर वन एजुकेशन नेटवर्क है इंडिया के अंदर हमारा, और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज स्टूडेंट्स इन कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स की संख्या कैसे बढ़ाएं अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर, अपने कोचिंग सेंटर्स के अंदर। तो मार्केटिंग के कुछ ट्रिक्स हैं जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगर आप इन ट्रिक्स को आज अपनाएंगे तो 100% श्योर हूँ मैं कि आपके इंस्टीट्यूट के अंदर अगर 50 स्टूडेंट्स आते हैं तो वो 100 हो जाएंगे, 100 आते हैं तो वो 200 हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, आपको करना भी वही पड़ेगा जो हमारा जो टीम आपको बताई जाएगी और जो इस वीडियोज में आपको बताया जाएगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके अलावा जितने भी हमारे 2750 स्टडी सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। आप हमारे नंबरों पे कॉल करें और पूछें कि किस तरीके से हम इंस्टीट्यूट्स, किस तरीके से इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट की संख्या बढ़ा सकते हैं। मैं 100% श्योर हूं, आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ ही जाएगी आपकी। तो आइए हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ईमैक्स इंडिया 2007 से वर्किंग कर रहा है, जहां जहां से रजिस्ट्रेशन है वो पूरी डिटेल आपके सामने इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हैं जहां से हमारा अप्रूवल है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है और मार्केटिंग किस किस माध्यम से हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम मार्केटिंग करते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि हम सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रिंट मीडिया में करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में पंपलेट्स वगैरह छपवाते हैं अपने, उस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। दूसरा तरीका हमारा है डोर टू डोर मार्केटिंग हम करते हैं। सबसे बेस्ट वे है डोर टू डोर मार्केटिंग का। डोर टू डोर मार्केटिंग में मीन्स हम घर घर जाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स की मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा तरीका हम सर्वा करते हैं। सर्वा क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आगे सर्वे के माध्यम से भी अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग कैसे करें उन्हीं के ऊपर हम बात करते हैं आज। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट वे पे हम बात करते हैं सोशल मीडिया। आप व्हाट्सएप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक गूगल्स में आप एड वगैरह लगा के अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं और प्रिंट करके भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे पेपर्स वगैरह में आपने डलवा दिए अपने पंपलेट्स वगैरह को, या कहीं स्कूल्स के सामने पिटवा दिए पंपलेट्स वगैरह, पोस्टर वगैरह होते हैं, पोस्टिंग लगवा सकते हैं, पोल पोस्टर लगा लिए, बैनर्स लगवा लिए आपने, तो इस तरीके से आप मार्केटिंग करते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। तब मार्केटिंग करने चाहिए जैसे बच्चों एग्जाम्स चलने वाले हो, एग्जाम से पहले आपको मार्केटिंग करना चाहिए। एग्जाम से पहले मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है 50% सेंटर 60% सेंटर्स क्या करते हैं, जैसे बच्चों एग्जाम्स खत्म होते हैं तो वो मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको जो मार्केटिंग करना है जब बच्चे एग्जाम चलने में 1-1.5 महीना रहता है उससे पहले ही आपको मार्केटिंग करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब अपने क्लास में स्टडी करते हैं तो उनको मार्केटिंग आप करोगे तो उनके पास आपके इंस्टीट्यूट्स का इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो वो तभी मन बना लेते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है तभी मन बना लेते हैं कि हमारे को इस एग्जाम के बाद, पेपर के बाद कहाँ पे अपना एडमिशन लेना है। तो कोशिश करें कि आप मार्केटिंग स्टार्ट करें तो एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले ही अपने मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दें। कहीं पे भी आप जब मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है, पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति और मन में शांति आपको रखना पड़ेगा। यानी जब मार्केटिंग करते हैं ये नहीं है कि आपने थोड़ी देर मार्केटिंग कर लिया रिजल्ट नहीं आया तो आप आराम से बैठ जाओ, घूमना पड़ेगा आपको, आपको अच्छा बोलना पड़ेगा और आपको दिल में क्रांति होनी चाहिए और मन में शांति होनी चाहिए। यानी कि किसी ने आपको मार्केटिंग में कुछ बोल दिया और आपको उसको उल्टा या सीधा आप कुछ बोल के वहां पे आ गए, यानी आपको इसका फॉलो करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन अपने आपको प्रिपेयर करना है, आपको ट्राई नहीं करना आपने, क्योंकि कहीं मैंने देखा है इंस्टीट्यूट्स वो खोल देते हैं और वो देखते हैं कि चलो देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं, अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चल जाता कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि ज्यादा खर्चा तो आता है इंस्टीट्यूट्स खोलने के अंदर। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना, पहले अपने आपको प्रिपेयर करें कि आप क्या इंस्टीट्यूट को लाइफ टाइम के लिए अपना इसमें टाइम देने वाले हो या नहीं देने वाले हो। आप अपना खुद का क्लियर करें कि आपको करना भी है या नहीं करना, कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर तो नहीं खराब करना कि हमने स्टूडेंट्स को एडमिशन दे लिया और बीच में आप छोड़ के चले जाओ। पहले अपना क्लियर करो आप सबसे पहले, और आपका फेथ ही आपको स्टूडेंट्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो आपके स्टूडेंट्स आएंगे उनको आपका जो फेथ होगा, आपका अपने ऊपर विश्वास होगा, वही आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा। मेक ए गुड प्लान,
एक अच्छा प्लान बनाए जब आप मार्केट में जाएंगे। तो मैंने देखा है कई लोग मार्केट में चले जाते हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं होता, वो पूछते हैं क्या है, वो बताएंगे हमारे इतना फीस है, इतना ये कुछ है, इस तरीके से वो तुरंत के तुरंत में अपना प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं होता, सबसे पहले अपना प्लान अच्छा प्लान करें, अच्छा प्लान बनाए। और जो आप प्लान बनाते हो, प्लान बनाने से पहले उसके ऊपर 100 बार सोच लें कि जो मैंने ये प्लान बनाया है ये सही भी है या नहीं है, इसमें कुछ कमी तो नहीं रही। तो सबसे पहले अपना एक प्लान बनाए मार्केट में जाने से पहले, अपना प्लान एनालाइज करें। हमारे साथ एनालाइज कर सकते हैं, पोल्स पे कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा क्या प्लान है। और उसके बाद जब आपने प्लान बना लिया, तो उसके बाद नहीं सोचना कि इसके अंदर ये चेंजेस करना है मैंने, क्योंकि आपने उसके बारे में 100 बार सोच लिया है पहले। उसके बाद अपने ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट करें, सबसे पहले अपने अपने ऊपर ट्रस्ट किया, उसके बाद अपने ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि हमारा ग्रुप जो है 2007 से वर्किंग कर रहा है। और कोई लोग बोल देते हैं कि सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये वो, आप भाग जाओगे। तो सबसे पहले आप अपने ग्रुप को ट्रस्ट करें। ट्रस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले अपना क्लियर कर लें, हमारा एडमिशन पे जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं कहाँ कहाँ से लेसन, पहले खुद चेक कर लो अपना कहाँ कहाँ से लेसन है भी या नहीं है ना, और पूरा डिटेल अपनी चेक कर लें। हमारी वेबसाइट्स पे जाके हमारे जो टीम मेंबर है उनसे क्लियर कर लें कि क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, कहाँ से किस तरीके से काम कर रहे हैं। कि जब आप मार्केट में जाओगे तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। और जो मैंने आपको बताया था, जो आपको लास्ट वीडियो मैंने डाली थी इससे पहले मार्केटिंग में जाने से पहले, ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस मार्केटिंग करने कोई बेनिफिट नहीं होगा आपका। इसीलिए आप सबसे पहले अपना इस मार्केटिंग की इस वीडियो को आप जरूर देखें। उसके बाद बारी आती है मार्केट में जाने से पहले आपको अपना ड्रेसिंग सेंस देखना है। ड्रेसिंग सेंस कैसा है आपका, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस सही है या नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि हम कटे फटे, मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम वीडियोस में बताया था कि ऐसे ही कटे फटे जींस डाल के मार्केट में चले जाएंगे और मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता, एक अच्छे वे से आपको मार्केटिंग में जाना है, वेल ड्रेस में आपको जाना है। अपने साथ में फाइल लेके जाएं, फाइल में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाएं, प्रोस्पेक्टस लेके जाएं, अपने साथ पेन लेके जाएं, एडमिशन फॉर्म लेके जाएं। मैं कई बार सेंटर्स की मीटिंग लेता हूं, तो सेंटर्स से मीटिंग लेने के बाद में मेरे को सेंटर्स क्वेश्चन करते हैं कि सर हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाने के बाद हमारे पास में इंक्वायरीज बहुत सारी आ रही हैं लेकिन एडमिशंस नहीं आते। तो मेरा सबसे पहले एक ही क्वेश्चन होता है, क्या आप एडमिशन फॉर्म लेके जाते हैं? तो उनका आंसर होता है नो सर, हम एडमिशन फॉर्म नहीं लेके जाते। तो ये गलती आपने नहीं करनी, एडमिशन फॉर्म साथ में लेके जाना है। हम सोचते हैं मार्केटिंग कर रहे हैं, हमने बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे दी तो बच्चा हमारे सेंटर्स पे आएगा, नहीं, ये गलत बात है। आपको क्या करना है, अपना एडमिशन फॉर्म, प्रोस्पेक्टस, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सब साथ में लेके जाना है। जैसे ही आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, उसको एडमिशन फॉर्म भर दिया या एक इंक्वायरी फॉर्म होता है, इंक्वायरी फॉर्म उसका फिल करा लिया, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड, अगर ज्यादा इंटरेस्टेड आपको लगता है, इंटरेस्टेड देखो आपको इंटरेस्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। प्लान ऐसा बनाएंगे हम कि वो आपके इसके अंदर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जब वो बच्चा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ टोकन मनी कुछ ना कुछ वहां से उठाए उससे एडमिशन के लिए, उसको ये ना करें कि उसका नंबर ले लियो सेंटर्स में आ जाएगा। मान लो आपका आपने एक प्लान बनाया कि आपकी दाखिला फीस 500 रुपए, तो 500 में से कम सबसे पहले तो कोशिश करें कि 500 रुपए उठाए उससे, 500 रुपए दे के उसको वहां पे दे दे एडमिशन, अपने पास में रख ले ताकि उसको भी लगे कि मेरा एडमिशन हो चुका है वहां से। और उसके बाद अगर वो 500 नहीं देता, यानी 500 रुपए उसके पास नहीं है, वैसे तो 500 रुपए सभी के पास अवेलेबल होते हैं, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको, 500 का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, तो उससे कुछ ना कुछ पेमेंट आप जरूर लें वहां से, ताकि आपके पास एडमिशन कन्फर्म हो जाए और आपके पास वो बच्चा जो टोकन मनी आपको देता है, वो टोकन मनी आपको जो दे रहा है, तो वो उस टोकन मनी के हिसाब से आपके पास एडमिशन वहां पे क्लास लगाने के लिए जरूर आएगा। अदरवाइज अगर आप उसे टोकन मनी नहीं उठाते तो वो कहीं ना कहीं डिस्कशन करता है, बच्चा बोल देता है सेकंड उसका फ्रेंड जो होता है कि मैंने वहां पे एडमिशन लिया, वहां पे एडमिशन ना लो, तो वहां पे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके कंपटीशन के पास में चला जाएगा। तो इसीलिए उसे कुछ टोकन मनी जरूर उठाएं। गो विद टीम, जब आप मार्केट में जाते हो तो अपनी टीम के साथ जाएं, अकेले मार्केटिंग में ना जाएं। एक दो शख्स आपके साथ होगा, अपनी टीम के साथ होगा, और टीम को भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे प्लान की, रजिस्ट्रेशन डिटेल की, पूरा का पूरा उनको पूरी डिटेल दे। वेल ड्रेस में हो टीम आपकी, कोशिश करें एक गर्ल्स आपके साथ में हो, एक गर्ल कैंडिडेट आपके साथ में हो। वो इसलिए क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे, जैसे विलेज में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, डायरेक्टली आप किसी घर पे जाते हो तो सही नहीं रहता। एक लड़की होती है, एक गर्ल्स होती है आपके साथ में, तो वो मार्केटिंग जब हम करते हैं तो वो बातचीत तो वो स्टार्ट कर लेगी, आगे बात आप कर लो, है ना, तो वो सही तरीका जाता है, क्योंकि ज्यादातर घर में लेडीज ही मिलती हैं, तो उनको डीलिंग करने के लिए लेडीज ही सही रहेगा। तो उसके बाद में किस एरिया में हमने मार्केटिंग करना है, वो सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट में तो जाना है, और मार्केटिंग किस एरिया में करना है हमने, वो जरूर देखें आप सबसे पहले। और जिस एरिया में आप मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग कैसे करिए, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियोज बनाया, कहीं से कंटेंट उठा लिया और आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। हमने मार्केटिंग खुद की है, डोर टू डोर मार्केटिंग हमने खुद किया जाके,
कई साल हमने मार्केटिंग किया, वो पूरा एक्सपीरियंस और हमारे जितने भी स्टडी सेंटर हैं, 250 स्टडी सेंटर हैं, हम सभी से बातचीत करते रहते हैं, उनका प्रॉब्लम आ रही है, क्या करने से उनको सही से उनका रिजल्ट जा रहा है, तो उन सभी का निचोड़ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको इस वीडियो का, इस प्लान का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले आपको किस एरिया में जाना है मार्केटिंग करने के लिए, मैं डोर टू डोर मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपको जाना है ABC एरिया में, तो आपको एक दिन दो दिन पहले उस एरिया में पोस्टरिंग कर लेनी चाहिए, करवा लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जब आप उस एरिया में जाओगे तो वहां पे पोस्टरिंग के आपके पोस्टर पहले लगे होंगे, तो लोगों को पता होगा कि आप कहाँ से आ रहे हो। जब आप जैसे आप जाके बताओगे मैं EMX एजुकेशन से आया हूँ, मैं इस एजुकेशन से आया हूँ, मैं इस सेंटर से आया हूँ, तो लोगों को पहले पता होगा, वो बताएंगे हाँ 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 हमने पोस्टर देखे थे, ताकि आपकी एक वहां पे पहचान से हो जाए, जैसे आप वहां पे जाके बताओ लोगों को। और जब आप मार्केटिंग में जाते हो तो लोगों से बातचीत करो, और जब आप बातचीत उन लोगों से करोगे, जब बातचीत करोगे उससे पहले आपने देखना है कि आप जिस एरिया में जा रहे हो उस एरिया का कोई ना कोई स्टूडेंट्स वगैरह आप साथ में लेके जाओ। जैसे मान लेते हैं आप ABC एरिया में जा रहे हो, ABC विलेज में जा रहे हो आप, तो अगर उस विलेज का स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ रहा है, उस स्टूडेंट्स को आप एक 90% ऐसा होता है कि आप स्टूडेंट्स को बोल देते हैं कि हम आपके एरिया में आएंगे, तो आपके साथ एग्री हो जाता है जाने के लिए मार्केट में। उनको बोले कि आपके वहां पे आना है और हमने आपके साथ चाय पीनी है आपके घर पे बैठ के, और आपने एक घंटा मेरे को देना है, आपने चलना पड़ेगा मेरे साथ में, तो जाते हैं स्टूडेंट्स एग्री हो जाते हैं, 90% स्टूडेंट्स एग्री हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी तो कोई इशू नहीं है, आप अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन अगर 90% आप इनसे बात करो, स्टूडेंट्स से बात करो, तो एग्री हो जाएगा आपके साथ चलने के लिए, क्योंकि उसके भी चाव होता है जाने का आपके साथ में। तो जैसे आप मार्केट में जाओगे, तो मार्केट में जाने से पहले आपको, जैसे आप लोगों से बात करते हो, जब आप बात करते हो तो स्टूडेंट से आप अलग से बात कर रहे हो, है ना, उसके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप बात करते हो तो जो डिसीजन मेकर है घर का, वो पेरेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, तो उनसे भी बात करें। यानी जब आप उनको समझा रहे हो, आपने एक बच्चे को समझाया कि हमारा ये प्लान है, उसको समझ में आ गया, तो उसके पेरेंट्स आके दोबारा उनको समझाना पड़ेगा, उसका ब्रदर आ गया, सिस्टर आ गया, उनको समझाना पड़ेगा। जितने भी घर मेंबर्स होते हैं, अगर आपको लगता है इंटरेस्टेड है, उनको बुला लें कि एक बार अपने ब्रदर सिस्टर्स को बुला लें, ताकि हम उसको भी अच्छे से समझा सकें और आपका आज एडमिशन कर सकें, है ना। तो ये एक अच्छा वे रहेगा, जिससे आपका भी टाइम बचेगा और उनका भी टाइम बच जाता है, क्योंकि आप एक शख्स के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, लेकिन ज्यादा टाइम लगाना भी पड़ेगा अगर वो एडमिशन कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले डिसीजन मेकर को अपना साथ में रख के अगर आप उसको प्लान दे रहे हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा, मार्केट में जा रहे हैं ज्यादा बेटर रहेगा, जो उसका डिसीजन मेकर पेरेंट्स स्टूडेंट्स के। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर एक घर आपको खुले मिल जाएंगे, है ना, और हर एक घर बंद मिल जाएंगे आपको। तो आपने क्या करना है, हम क्या करते थे जब मार्केट में जाते थे, अगर हमारे कोई घर बंद मिला है तो उस घर में पंपलेट नीचे से ऊपर से कहीं ना कहीं से डाल देते थे। इससे क्या होता था, जैसे ही वो पंपलेट्स बढ़ेगा तो उसको पता लगेगा कोई ना कोई आया था, उसको मालूम कहीं खेत में गया हुआ है, कहीं बाहर काम पे गया हुआ है, ऑफिस में गया हुआ है, कहीं भी गया हुआ है काम के लिए, तो उसको पता लग जाता है कि हाँ कोई ना कोई ऑफिस कहीं से आया था, तो वो आस पड़ोस में पता करेगा या उस नंबर से कॉल कर सकता है। एटलीस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन तो होगी ना कि आपका सेंटर वहां पे खुला हुआ है, यानी हर घर में आपका कंप्लेंट जाना जरूरी है। जब आप मार्केट में जाते हो तो 100 लोग आपको मिलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 एडमिशन नहीं लेंगे आपसे, 100 के 100 को आपको एडमिशन लेना है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना उन 100 में से कौन सा एडमिशन ले रहा है। तो आपको जो भी लोग मिलते हैं उनको अपना आपने बेस्ट देना है, 100% आपने देना है, ये नहीं पता ना कि उन 100 में से कौन सा बंदा आपसे एडमिशन ले ले, कौन सा स्टूडेंट आपका एडमिशन में कन्वर्ट हो जाए। तो जब मार्केट में जाते हो आपने अपना बेस्ट देना है। और हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हम जो गलतियां करते हैं, हम कोई मार्केटिंग टीम को हायर कर लेते हैं कि आपने पंपलेट्स बांटने हैं, घर घर जाना है, तो होता क्या है कि आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 90% केस में क्या हुआ है कि हमने जब पीछे से चेक किया कि मार्केट में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो पता लगा कि वो बस स्टैंड के पास में कुछ लोगों का नंबर लेके एक फाइल तैयार कर ली उसने कि मैं इतने लोगों से मिला हूं, और पंपलेट्स हमने कहीं नाली में पड़े पाए गए, कहीं सड़क पे पड़े पाए गए, लेकिन वो घूमते नहीं है, हर घर घर में नहीं जाते, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% केस में ऐसा मिला है हमने, क्योंकि अगर आपको जा रहा है तो ज्यादा बेटर है उसके साथ में, या आपका नॉन पर्सन बेस्ट पर्सन जा रहा है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा मार्केटिंग के अंदर। और उसके बाद हम बात करते हैं, आपको जब आप मार्केट में जाओगे जो सामने स्टूडेंट्स है आपने उसकी नीड पहचाननी है, जरूरत पहचाननी है, क्योंकि आपने जो अपना प्लान तैयार करना है, मैंने कहा था जो हम प्लान तैयार करेंगे वो ऐसा तैयार करेंगे कि सामने वाले को ऐसा लगे कि आपको नीड है, यानी स्टूडेंट को नीड है उस कोर्स की, इस तरीके से हम उसको देंगे कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो उस कोर्स को करने के लिए।
क्योंकि हम कोर्स ऐसे तैयार करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि हम ऐसे कोर्स के ऊपर काम करेंगे, तो वीडियोस पहले वाले जरूर देखें आप, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो हम कोर्स ऐसे तैयार कर लेंगे कि स्टूडेंट्स को लगे कि उस स्टूडेंट को उसकी नीड है, कोर्स की नीड है, उसकी कोर्स की जरूरत है, कि वो हमारे को जरूरत नहीं है उसकी, यानी हमने उसको दिखाना है कि आपको इस चीज की जरूरत है, उसको बोलना भी नहीं कि हमारे को जरूरत नहीं है आपकी, तो नो नीड। और सबसे पहले आपने क्या, कुछ लोग इसलिए एडमिशन लेते हैं जिनको जरूरत नहीं होती, लेकिन उनके आस पड़ोस में, जैसे मैंने आपको बताया है कि उस एरिया का अगर आपने स्टूडेंट्स ले लिया है साथ में और वो बताता है कि मैंने एडमिशन ले लिया यहाँ पे, है ना, उनका नॉन मिल गया उनको वहां पे, तो आपके जो एडमिशन सामने आप जिस इंक्वायरीज को हैंडल कर रहे हो उसके एडमिशन में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको जरूरत नहीं है, लेकिन उसको देखते ही ले लेगा कि इसने सामने वाले के बच्चे ने एडमिशन लिया तो हम भी यहाँ पे एडमिशन कराए लेते हैं, चलो उसके साथ में चला जाएगा वहां पे वो, है ना। तो उसको जरूरत नहीं होती कई बार, लेकिन वो किसी सामने वाले शख्स को देख के एडमिशन ले लेता है, या फिर आप कि वहां पे उस एरिया में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है, अगर आपके साथ कोई नहीं जाता स्टूडेंट्स में से, तो आप उसका एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे इस स्टूडेंट्स ने भी आपके एरिया में, इनके फादर का नाम ये है और उस लड़के का नाम ये है, इसने भी इस कोर्स में एडमिशन लिया, 3 दिन हो गए उसको स्टडी करते, वो भी अपनी स्टडी के साथ साथ में कोर्सेज कर रहा है ना। तो आप इस तरीके से उसको अपना अच्छे तरीके से नीड दिखा सकते हो, जिनको जरूरत नहीं होती उनको भी आप अपने प्लान को एक्सप्लेन कर सकते हो। और कई बार कह देते हैं कि हमारे को जरूरत नहीं है सर इस कोर्स की, तो आपको देखना है कि किस तरीके से जरूरत क्रिएट करनी है, और अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं करना चाहते कोई इश्यू नहीं है, आप अगर वहां पे स्टूडेंट्स है तो उनके पेरेंट्स का नंबर लें, ताकि इन फ्यूचर जैसी उसको जरूरत पड़े तो आप उसको अपना इंक्वायरीज में कन्वर्ट कर, उसको आप फॉलोअप में रख सको, उस इंक्वायरीज को फॉलोअप में रख सको, तो इसीलिए उसका नंबर जरूर ले लें अगर वो कहता है कि अभी मैंने एडमिशन नहीं लेना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत ही जरूरी बातें हैं जिनको हम मार्केट में जाते हैं इनको भूल जाते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, उन बातों के हमने ऊपर काम करना है। ईमैक्स आपको इसी तरीके से हेल्प करता रहेगा, इसी तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, तो उन बातों के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जरूरी बात क्या रहेगी, जब मार्केटिंग में जाते हैं, मैंने आपको बताया सबसे पहले पोस्टरिंग कर लें, मार्केटिंग में जाने से पहले पोस्टरिंग का मैंने आपको बेनिफिट बता दिया। आपको प्लान तैयार करना है, प्लान तैयार कर लें कि किस एरिया में मार्केटिंग करनी है और किस टाइम हमने मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से और कहां हमने मार्केटिंग करनी है, पूरा पूरा अपने पहले कैलकुलम तैयार कर लें, कौन कौन से कोर्सेज हमने वहां पे जाके हाईलाइट करने हैं, इस एरिया में फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, इस एरिया के स्टूडेंट्स किस तरीके से हैं, यानी किस तरीके से वो उनके फाइनेंशियल कंडीशंस है, या फिर किस तरीके के कोर्सेज स्कूल्स में वो जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, पूरा पूरा एक प्लान हम कहीं मार्केटिंग में जाते हैं उससे पहले हम ये पूरा पूरा प्लान तैयार करेंगे, तक उनका फाइनेंशियल के हिसाब से वो कोर्स कर पाएंगे, तो वो अपने कोर्स का करिकुलम बना के वहां पे तैयार करके जरूर जाए मार्केटिंग में जाने से पहले। उसके बाद मार्केटिंग में जाने से पहले आपको टाइमिंग देखना है, मॉर्निंग में जाए आप टाइमिंग आप रखें, या फिर अगर आप शाम को जाते हैं 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में एक अच्छा टाइमिंग होता है मार्केटिंग में जाने का, क्योंकि उस टाइम सभी लोग आपको मिल जाते हैं, यानी तो अगर आप दोपहर में चले गए तो सभी लोग सोते रहते हैं, आपको होगी कि हमारे को तो कोई मार्केट में जाके मिला ही नहीं है, तो इसीलिए जब आप मार्केटिंग में जाते हो तो 4 से 7 का टाइमिंग भी सही रहेगा, शाम के टाइमिंग में आपको बात करो, मॉर्निंग का 8-9 बजे के आसपास का ठीक रहता है, लेकिन कोशिश करें 11:30-12 बजे से पहले पहले आपको मार्केटिंग करके खत्म करके अपने जगह में पहुंच जाए जहां पे आपका इंस्टीट्यूट है, आप कोई भी वहां पे माने दोपहर को मार्केटिंग ना करें, क्योंकि दोपहर को ज्यादातर लोग सोए रहते हैं और मार्केटिंग में जाते हैं वो लोग बात करना भी पसंद नहीं करते, तो मार्केटिंग अपने अंदर में नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट्स जाते हैं, इसलिए आप टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें। और जब स्कूल्स की छुट्टी हो जाती है तो जब मार्केटिंग में जा रहे हैं तो वो टाइमिंग, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है किस टाइम छुट्टी होती है, 2:30 से 3 बजे के आसपास में होती है, तो वो टाइमिंग आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं, सामने खड़े हो जाएं, जैसे स्कूल की छुट्टी होगी तो आपके स्टूडेंट्स होंगे उस स्टूडेंट सामने से मिलेंगे, हर एक स्टूडेंट्स को आप कंप्लेंट्स दे सकते हैं, अपने खुद आप कंप्लेंट्स बांट रहे हैं, मान लो स्टूडेंट्स में 100 स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं एक सेंटर के अंदर, एक स्कूल के अंदर सॉरी, तो आप उनको सभी को कंप्लेंट्स देंगे तो सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसके बाद उनके घर पे जाओगे, जैसे आप उनके घर पे जाओगे तो कि हाँ हमने आपको वहां पे देखा था, तो स्टूडेंट्स इंक्वायरीज को हम कहीं ना कहीं से अलग अलग जगहों से पिंच कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है वो इंक्वायरीज जो आपकी है वो स्टूडेंट्स के अंदर कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं हमारे पास में। उसके बाद में जब आप मार्केट में जाओगे तो कुछ लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है जी कोई बात नहीं, जब टाइम होगा तो फिर कर लेना, है ना, ऐसा नहीं है, हमने उसका आंसर क्या देना है कि सर बिल्कुल सही बात है, अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अभी आप स्टडी कर रहे हैं, जब आप बच्चे से बात करें, आप उनके पेरेंट्स से बात करें, अभी आपका बच्चा स्टडी कर रहा है, तो हमारा ये कोर्सेज हमने ऐसे डिजाइन किया है जो ये अपना कोर्सेज अपनी स्टडी के साथ साथ भी कर सकता है, हम सिर्फ इसे 1 ही घंटा ले रहे हैं,
और उस 1 घंटे के अंदर जो है टाइमिंग लेते हैं आप 1 घंटा 1.5 घंटा, आप कोशिश करें 1 घंटे क्लास रखें, बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से रखते हैं, 2 घंटे की भी लेते हैं कई इंस्टीट्यूट। आप उनको बता रहे कि हम सिर्फ 1 ही घंटा आपसे ले रहे हैं, जिससे 1 घंटा तो बच्चा वैसे भी खेलता है कहीं ना कहीं, है ना, और एक लाइक टीवी भी देखता है, कुछ ना कुछ काम करता है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, बच्चा आपका एडमिशन लेता है, तो टाइम मैनेज हो जाएगा। 1 घंटे का ही टाइम मैनेज करना है, सुबह कर लो शाम कर लो, क्योंकि हमारे पास काफी बैचेस खाली है, सुबह का भी एडजस्ट करता है शाम का भी एडजस्ट करता है स्टूडेंट्स। तो आपने उसको उसका एग्जाम आंसर देना है, ना कि उसके बात सुन के आपने एग्री कर लेना और आगे चलना है, ऐसा नहीं करना। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं पहले ही बहुत आए हैं जी और बहुत चले गए, भाग जाते हैं, तो सेंटर्स वाले होते हैं पहले भी आए थे पहले भी चले गए, तो आपने बोलना है सही बात है सर, ये भी आपकी ना नहीं बोला उनको, बिल्कुल सही बात है सर, हो सकता है हम भी भाग जाएं। तो इससे पहले क्या करना है आपने, कुछ उनको एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, लेकिन लास्ट में क्या है, दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता है, पीता है यानी लास्ट में क्या बोला, पीता है यानी आप फुके मार लो। फुके मारने का मतलब ये है कि हमारे बारे में डिटेल पता कर लो, हमारी वेबसाइट्स ये है एकेडमिशंस में, उसमें जाके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो वेबसाइट्स का, और साथ में आप जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके गए हैं वो उनको दिखाओ, ये देखो सर हमारा यहाँ से रजिस्ट्रेशन है, ये हमारी डिटेल है पूरी, इतनी जगह से रजिस्ट्रेशन, 2007 से हम काम कर रहे हैं, बाकी प्रोस्पेक्टस में हमारी सारी डिटेल है ही है। आप एडमिशन लेने से पहले पूरा चेक कर ले, है ना, चेक करके जो आपको सही लगे तो आप एडमिशन ले लें सर, है ना। अभी हमारे पास पैसा नहीं है जी, अभी तो तंगी चल रही है, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं आपको जब आप मार्केट में जाते हो, लेकिन सोच के देखिए नॉर्मली कोर्सेज की फीस कितनी होती है, 500 रुपये, 1000 रुपये महीना, 600 रुपये महीना, नॉर्मली फीस इतना होता है। क्या लगता है आपको कि क्या 500, 600, 1000 रुपये नहीं है उसके पास, बच्चे के पास में? एक छोटी सी बात सोच के देखिए ना, जब उसका बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगता है, कई बार लाखों रुपये मांग ले जाते हैं, तो वो भी दिन के दिन पैदा कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके पास बहुत सारे पैसे, लेकिन ये इस उनको नहीं बताना आपने, अभी मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, उनको सिर्फ एक बात बतानी है कि मान लो आप 500 रुपये महीने की फीस है या आपके 1000 रुपये महीने की फीस, सर एक दिन के 10 रुपये बैठते हैं, एक दिन के 15 रुपये बैठते हैं, 20 रुपये बैठते हैं, और एक दिन के 20 रुपये बच्चा वैसे भी एक्सपेंस कर देता है, खर्च कर देता है, और हम सिखा क्या रहे हैं, इसके अंदर बदले में आपको मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब में चलेगा, प्राइवेट जॉब में चलेगा, और जैसे ही आपका बच्चा स्टडी यहाँ से कंप्लीट करेगा, प्लस टू कर रहा है मान लो, जैसे प्लस टू करेगा साथ साथ में उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, और जो वो डिप्लोमा मिलेगा जैसे प्लस टू कंप्लीट होगी या जैसे कोर्स कंप्लीट स्टडी कंप्लीट होगी साथ साथ में वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वो और पैसे की तो बात है सर, 10-20 रुपये 30 रुपये तो बच्चा वैसे भी खर्च करता है, तो इतना ज्यादा बड़ी बात नहीं है सर, आप किस्तों में दे सकते हो, इकट्ठा पैसा ना दो ना, इकट्ठी फीस जमा ना कराओ आप इकट्ठा ना जमा करो, 500 रुपये हर महीने का जमा कराते रहो आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर हमारे को। कुछ लोग आपको ये भी बात करेंगे कि पेपर के बाद हम तो एडमिशन लेंगे जी, पेपर के बाद एडमिशन का मतलब होता है कि जैसे बच्चे एग्जाम्स वगैरह चलते हैं ना उसके बाद हम एडमिशन लेंगे, तो आपने उनको यहाँ पे उनको भी आंसर देना है जी। बिल्कुल आप पेपर के बाद एडमिशन लेते हैं, एग्जाम के बाद एडमिशन लेते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये स्कीम आ रही है, अगर आप अभी एडमिशन ले लेंगे तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। मैं तो इसलिए आपसे बोल रहा था कि अभी एडमिशन लेने के लिए, है ना, क्योंकि आपने प्लान मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से तैयार करना है, इन सभी क्वेश्चनों को अपने प्लान को ध्यान में रखते हुए बनाना है आपने इन सभी क्वेश्चनों को, कि लोग इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और आपका प्लान क्या इसके लिए सुटेबल है या नहीं है। पेपर के बाद का मतलब यह है कि अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, और हाँ जब तक आपके एग्जाम्स होंगे, 1 घंटा तो हम आपसे ले रहे हैं, 1 घंटा आपसे ले रहे हैं, और जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट होंगे तब तक आपका यहाँ पे कोर्स भी लगभग कंप्लीट होने वाला होगा, है ना, और अभी हम आपका कुछ काम कर देंगे, जैसे पेपर का टाइम आएगा तो हम आपके 15-20 दिन की छुट्टी वहां से दे देंगे आपको, ताकि आप पेपर की तैयारी कर लेना, एग्जाम्स की तैयारी कर लेना, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज के अंदर। जिस महीने की आपकी छुट्टी लगाओगे उस महीने की आपसे फीस नहीं चार्ज की जाएगी, है ना, क्योंकि कोर्स तो हमारा मान लो 12 महीने कोर्स, तो 12 महीने लगने हैं, आप 1 महीने छुट्टी ले लो 13 महीने में हो जाएगा, 12 महीने की तो हमारे को फीस देनी है आपको, पेपर के बाद भी आप करते रहेंगे साथ साथ में चलता रहेगा वो काम सारा सारा, तो आपने उसको इस तरीके से आंसर देना है। तो दूसरी बात मैं आपको बता ही रहा हूँ, ईमैक्स आपको हेल्प करता है कि क्या क्वेश्चन वो मार्केट में जा रहा है, अगर आप मार्केट में भी हो तुरंत हमारे पास कॉल करो, हमारे पास टेक्निकल मेंबर्स के नंबर है, हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट के नंबर, उनके पास कॉल करो, सर मेरे को क्वेश्चन आ रहा है और इसका आंसर दो, आपको आंसर देंगे। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको भी तो कोई क्वेश्चन करते होंगे वो, या आप जब मार्केटिंग फेस करते हो, आप इंक्वायरी फेस करते हो, आपको भी क्वेश्चन करते हैं वो, आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके इसका क्वेश्चन को क्वेश्चन लिखो अपने, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सभी के सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि अगर वो क्वेश्चन करता है तो उसका क्या आंसर देना है और क्या आंसर उसका सही रहेगा, हमारे हिसाब से भी आपके हिसाब से भी सामने वाले के हिसाब से भी क्या क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ वीडियोस बनाते हैं तो उनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो,
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक जो रहेंगे हमारे, हाउ टू सर्वे। हमने आपको बताया तीन तरीके से हम मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, डोर टू डोर के माध्यम से और सर्वे के माध्यम से। एडवर्टाइजमेंट में 35-40% रिजल्ट आ जाता है, डोर टू डोर मार्केटिंग में मैं मानता हूँ 80-90% रिजल्ट आ जाता है हमारा, 80-90%। और अगर हमारा इन दोनों तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा सर्वे के ऊपर वीडियो रहेगा, और इसमें 100% रिजल्ट हम आपको निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि हम 100% रिजल्ट निकाल रहे हैं ऑलरेडी। एक सेंटर से नहीं, बहुत सारे सेंटरों से हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। हमारे कुछ एरिया के अंदर सर्वा की टीम भी अवेलेबल है जो जगह जगह पर जाकर सर्वा करती है, और आप खुद अपना सर्वा कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा कि सर्वा कैसे करें, किस तरीके से हम क्या क्या गलतियां करते हैं, जो गलतियां ना करो कैसे 100% रिजल्ट निकालें। लेकिन उससे पहले कि क्या आपने पिछली वीडियो देखी, क्या आपने एडवर्टाइजमेंट अपनाई, क्या आपने डोर टू डोर मार्केटिंग का तरीका अपनाया, है ना, पहले आप ये काम करके देखिए। वो लास्ट का ऑप्शन है हमारा, लास्ट हथियार है वो। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू क्रिएट अट्रैक्टिव प्लान। ये भी हमारे ऊपर बात करती है कि हम अट्रैक्टिव प्लान कैसे बनाएं, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कैसे करें। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे अपना पूरा जो अपना आपको शेयर करने की, लेकिन कुछ बातें पर्सनली होती है तो इसलिए आप हमारे नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं, इससे हम आपको पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन दे दें कि किस तरीके से आप अपना अट्रैक्टिव प्लान बना सकते हैं कि जिससे स्टूडेंट्स आपके पास में ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। और नेक्स्ट वीडियो का एक टॉपिक रहेगा कि अगर आपके पास 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो 20 बच्चों कैसे लेके आए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हम प्रैक्टिकल ऐसा कर चुके हैं आपके, 20 बच्चों से 20 बच्चे आते हैं तो 40 हो जाते हैं, 40 बच्चों से 40 बच्चे हो रहेंगे तो 80 हो जाते हैं। हम ऐसा प्रैक्टिकल कर चुके हैं, डेढ़ दो दो महीने के अंदर ही हमने एक स्टूडेंट्स के अंदर 200-200 एडमिशन करवाए हैं बिना किसी सर्वे के, ओनली एडवर्टाइजमेंट और डोर टू डोर माध्यम से। लेकिन हमारा प्लान में दम होता था, और उसके बाद हम स्टूडेंट्स जो होते थे हमारे पास में, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट कैसे लेके आते थे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा उसमें ये भी रहेगा कि जो आप क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट्स में करेंगे उन क्वेश्चनों का आपको आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं ईमैक्स एजुकेशन की, 2750 स्टडी सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर जो ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी देर किस बात की, जल्द से जल्द ईमैक्स एजुकेशन को ज्वाइन करो। अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद आप विजिट करते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के, imaxindia.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, नंबर वन एजुकेशन ब्रांड है पूरे इंडिया में, 2750 स्टडी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। और इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए बहुत ही लेके आते रहेंगे, इन फ्यूचर्स भी लेके आते रहेंगे, पहले भी हम बना चुके हैं कि किस तरीके से हम इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाएंगे, क्या क्या इंस्टीट्यूट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमारी टीम आपको पूरा हेल्प करती रहती है इस चीज़ के बारे में। तो लास्ट में आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें ना करें कोई इश्यूज नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आपको जो वीडियोस बनाए वो आपको बेनिफिट आप उस वीडियो का ले सकें। और लास्ट में की बात, थैंक यू, जय हिंद, जय मैक्स।